बालों को सिल्की, शाइनी और स्मूथ बनाने के लिए तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। आपको कोकोनट ऑयल लेना है और अगर इसकी जगह आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया 2 चम्मच कोकोनट ऑयल, क्योंकि कोकोनट ऑयल हमारे बालों को मजबूत करता है और सॉफ्ट बनाता है। और यहाँ हम ले रहे हैं 2 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बालों को मॉइस्चराइज करेगी और बालों को रिपेयर करेगी। यहाँ पे मैंने लिया 2 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे बालों को मॉइस्चराइज करेगी और बालों को हील करेगी। तो 1 चम्मच हम ले रहे हैं इसमें कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के फ़ायदे तो पता है, बालों को मजबूत बनाता है और घना बनाता है, साथ ही साथ हमारे बालों को घना भी बनाएगा और मॉइस्चराइज भी करेगा। अब हम यहाँ पे लेंगे 3 विटामिन E के कैप्सूल। 3 विटामिन E के कैप्सूल इसमें पूरा इसका ऑयल निकाल लीजिए। विटामिन ई कैप्सूल तो बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। स्किन को भी मॉइस्चराइज करता है और बालों को भी शाइनी बनाता है और सॉफ्ट बनाता है। इस तरह आप या तो चम्मच से मिला लीजिए या फिर ब्लेंडर से। मेरे पास ब्लेंडर था तो मैंने ब्लेंडर से इसे बना लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो चम्मच से भी बना लीजिए और एकदम क्रीमी टेक्सचर आना चाहिए, जैसे क्रीम हो जाती है हेयर स्पा क्रीम, सेम वैसा ही। तो ये देखिए हमारी क्रीम बन के रेडी हो चुकी है। और पहले सबसे पहले अपने बालों में कॉम्ब कर लीजिए, क्योंकि उलझे टूटे बाल होते हैं ना तो अच्छे से कोई भी चीज़ बालों में अप्लाई नहीं हो पाती है। तो मैंने बालों को कॉम्ब कर लिया है। और आप इसको लगाने का ना थोड़ा सा तरीका अलग है, जैसे हम ऑयलिंग करते हैं वैसे ही नहीं करना है। आपको छोटे छोटे सेक्शन लेके बालों के और पूरे लेंथ तक लगाना है, जड़ों से लेके पूरे लेंथ पर। जैसे देखो मैं आपको दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको पूरे लेंथ पर लगा लेना है, जिससे कि हमारे बाल सॉफ्ट रहेंगे, शाइनी रहेंगे और पूरे बालों को हमारा पोषण मिल पाएगा। तो ये देखिए पार्ट 1 पूरे बालों में मैं अप्लाई करूँगी। इसको लगाने से पहली बार में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा। पहली बार में ही आपके बाल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। जब भी आप कोई हेयर स्टाइल बनाओगे बड़ी आसानी से बन जाएगी, आपके बाल बिल्कुल भी नहीं उलझेंगे। तो जिस तरह से मैं लगा रही हूँ आपको भी सेम उसी तरह लगाना है, पूरे बालों में एक भी बाल नहीं छूटेगा। और पूरे बालों में अच्छे से लगाइए लेंथ में, तो हल्के हल्के हाथ से मालिश भी कर लीजिए, जैसे जड़ों में भी लग जाए और हमारे पूरे बालों में। पूरे बालों में लगाने के बाद ये देखिए मैंने अपने पूरे बालों में मालिश भी कर ली, क्योंकि इसमें कैस्टर ऑयल है और कोकोनट ऑयल है जो हमारे बालों को पोषण देगा, बालों की लंबाई बढ़ेगा और जो डैमेज बाल हैं उन्हें रिपेयर करेगा। तो हल्के हाथ से मालिश ज़रूर करना है। और आपके बहुत ज़्यादा रूखे सूखे ड्राई बाल हैं तो हफ्ते में इसे 2 दिन लगाइए, नहीं तो आप हफ्ते में 1 दिन लगा लीजिए और इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके बाल अच्छे हुए कि नहीं हुए। इस हेयर क्रीम का आपको क्या फ़ायदा मिला मुझे ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट का बहुत बहुत इंतज़ार रहेगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की नेचुरल रेमेडी देखने के लिए